गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी जो व्याकरण है उससे लेसन नंबर 33। लेसन नंबर 33 को हमने कल भी किया था जिसमें हमने समझा था क्रिया के बारे में, क्रिया का मूल रूप धातु क्या होती है, धातु के कितने रूप होते हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद और उसके बाद अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले देखिए कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया यानी कि जिसमें जिस क्रिया में क्या होता है कि जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे रमन सेब लाया, ये जो लाया एक ही काम किया इसने, एक ही कर्म है यहाँ पर, तो जो लाया है ये यानी एक क्रिया है यहाँ पर, तो ये सामान्य क्रिया है। उसके बाद देखिए नंबर 2 है इसमें संयुक्त क्रिया। संयुक्त जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक धातुओं की से बनी जो क्रियाएं जुड़ी होती हैं। अब देखिए जैसे मैंने अखबार पढ़ लिया, अब ये पढ़ ये भी तो धातु रूप है और लेना से लिया बना है ये भी धातु रूप है, यानी दो धातु रूपों से जो क्रिया जुड़कर बनती है, जो प्रयोग होता है वाक्य में क्रिया का, वो होती है संयुक्त क्रिया। नंबर 3 नाम धातु। नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती है। जैसे दुख से दुखाना, अपना से, देखिए दुख ये संज्ञा से बना शब्द है, दुख से दुखाना बन गया। अपना, अपना क्या है, सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम से संयुक्त क्रिया बनी अपनाना। अब यह जैसे गर्म, गर्म क्या होता है, विशेषण होता है, और विशेषण से संयुक्त क्रिया क्या बनी है, गर्माना। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक नाम से पता चल रहा प्रेरणा के साथ, यानी जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे को प्रेरित करता है काम करने के लिए, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, माँ स्वयं नहीं पिलाती बल्कि किसी और से पिलवाती है वो, तो यहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता वहां पर मौजूद तो होता है लेकिन वो स्वयं कार्य नहीं करता, यानी कर्ता मौजूद है लेकिन काम नहीं करता। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं मौजूद नहीं होता, कोई दूसरा काम करता है, दूसरे को काम करने के लिए कहता है, यानी कहकर वो कहीं पर जा भी सकता है, फिर पहले कहा हुआ होता है कि दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित किया होता है। उसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण की तरह देखिए, उसने नहाकर पूजा की। अब देखिए पूजा करना, ये पूजा करना मुख्य क्रिया है लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, नहा करना, ये भी तो क्रिया है, यानी मुख्य क्रिया से पहले ये क्रिया है, इसको बोलते हैं पूर्वकालिक, यानी मुख्य क्रिया से पहले। पूर्व का अर्थ होता है पहले। उसके बाद नंबर 6 है क्रिंदन क्रिया। कृंदित क्रिया क्या होती है, जो क्रिया शब्द कृत प्रत्यय लगाने से बनते हैं। कृंदित क्रिया क्या होती है, जो क्रिया शब्द कृत प्रत्यय लगाने से बनती हैं उनको कृंदित क्रिया कहते हैं। जैसे देख प्लस ता, लिख प्लस ता, लिखता देखता सुनता, इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो कहलाती है कृंदित क्रिया। अब आता है, ये थी हमारे रचना के आधार पर, अब आता है अर्थ के आधार पर।
के आधार पर क्रिया के भेद, अर्थ के आधार पर होते हैं भाई क्रिया के। अर्थ के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं। पांच भेद कौन से? सबसे पहले होता है निश्चय। देखिए नंबर एक निश्चयार्थ। निश्चयार्थ भी होता है यानी जिन क्रिया शब्दों से किसी काम के या फिर कोई भी घटना के निश्चित होती है वो कि हाँ ये होगा, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का सामान्य बोध होता है कि हाँ भी कुछ हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं काम का करना या होने का किसी कोई ना कोई बोध होता है। जैसे तुम खाना खाते हो, तुम क्या क्यों खाना खाते हो, इस प्रकार के जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो होती हैं निश्चयार्थ क्रिया। ठीक है, उसके बाद नंबर दो है संकेतार्थ। संकेतार्थ, संकेतार्थ में जिन क्रियाओं से किसी काम में करने के संकेत का बोध होता है। संकेत कैसे, यानी दूसरी क्रिया पर वो निर्भर होते हैं। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कैसे होंगे, जैसे अगर बादल आए तो बरसात होगी, ये तो निश्चित ही बात है कि भाई बादल आएंगे तभी बारिश होगी, बादलों के बिना तो बारिश नहीं हो सकती। उसके बाद नंबर तीन है संदेहार्थ। नंबर तीन संदेहार्थ, नाम से पता चल रहा है जिन शब्दों से संदेह होगा संदेह का बोध होगा, वाक्य में जिन शब्दों से संदेह का बोध होगा, जैसे पिताजी आ गए होंगे, मेरी बहन आ गई होगी, पिताजी चले गए होंगे, मेरा भाई चला गया होगा, यानी हमें पूरा नहीं अच्छे से नहीं पता कि ये हुआ है या नहीं हुआ, यानी हमें संदेह होता है उस बात का, वहां पर होते हैं संदेहार्थ क्रिया। उसके बाद नंबर चार है अज्ञात। वाक्य में जिन क्रिया शब्दों से किसी की इच्छा प्रार्थना निषेध आज्ञा आदेश आदि का बोध होता है वहां पर होती है अज्ञात क्रिया, जैसे लड़ाई मत करो वहां मत जाओ, इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे। उसके बाद नंबर पांच है संभावनार्थ। नंबर पांच संभावनार्थ, यहां पर देखिए संभावना जताई जाएगी, यानी क्रिया के जिस रूप से संभावना का बोध होगा वहां पर क्या होगी संभावनार्थ, यानी क्रिया के जिस रूप से वहां पर संभावना का बोध होगा संभावनार्थ क्रिया होगी, जैसे संभव है कि आज बारिश हो या शायद वह कल स्टेशन पर मिले, शायद वह कल स्कूल आए, शायद वह कल स्कूल ना आए, तो ये ऐसे जो क्रिया शब्द होते हैं वो कहलाते हैं संभावनात्मक क्रियाएं। तो ये के अर्थ के आधार पर होते हैं हमारे क्रिया के पांच भेद, और रचना के आधार पर होते हैं क्रिया के छह भेद, और कर्म के आधार पर होते हैं क्रिया के दो भेद। तो आपको अच्छे से लेसन को अपनी पुस्तक से रीड करना है, समझना है।